हेलो फ्रेंड, सभी को राधे राधे। मैं डॉली आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉली शॉप में। और कल से आज तक जितने जन भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जितने जन भी चैनल को प्यार दिए हैं, उन लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज जो लोग भी नए चैनल में आए हैं, वीडियो को नए देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि उन लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फ्रेंड, आज हम एक बंगाली रेसिपी देखेंगे और सीखेंगे जो मैं बनाई हूँ, रस बड़ा। जो ये सूजी का भी बनता है, लेकिन मैं मूंग दाल से बनाई हूँ, मूंग दाल का भी बनता है। तो आप लोगों के साथ ये रस बड़ा को मैं शेयर की हूँ, आप लोग भी देखिए और ज़रूर बनाइए और एंजॉय करिए, ये बहुत अच्छा लगता है। इधर उड़ीसा में भी इसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं और बहुत टेस्टी भी। इसको आप अगर खाएंगे ना तो रसगुल्ला का स्वाद भूल जाएंगे, ये रसगुल्ला टाइप का ही लगता है बहुत, और बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए हम इसी को देखते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ये देखिए फ्रेंड, मैं 2 कटोरी मूंग दाल ली हूँ और 2 कटोरी मूंग के लिए मैं उसका आधा मतलब 1 कटोरी लूँगी उड़द दाल। और इसको अच्छे से 4 से 5 घंटा में भिगा के रख दूंगी। और भिगा देने से ये क्या होगा कि अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको देखिए मैं पानी डाल ली हूँ और इसको अच्छे से फिर अच्छे से इसको धो भी लूँगी। और देखिए ऐसे स्मूथ पेस्ट करके मुझे पीस लेना है। और इसको मैं 2 भाग कर ली थी, जितना था ना उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता, इसीलिए मैं 2 भाग की हूँ। इसमें से 2 चीज़ बनाई हूँ, एक ये है और दूसरा क्या है मैं फिर एक एपिसोड में आपको दिखाऊंगी। और इसमें और कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा सा बस सोढ़ा डालना है। देखिए उड़द और मूंग का जो पेस्ट था इसमें और बाकी कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा सा सोढ़ा डालना है और ऐसे हमें फेंटना है। फेंटने से क्या होगा, ये अच्छे से फ्लफी हो जाएगा और इसके अंदर जब इसको हम तलेंगे इसके अंदर मस्त पूरा जो हमारा चाशनी है घुसेगा। ये देखिए चाशनी के लिए मैं जो 2 कप चीनी ले चुकी हूँ, और 2 कप चीनी के लिए आप 3 कप पानी लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा कम ले ली थी, फिर बाद में डाली हूँ थोड़ा सा, मैं 2.5 कप डाली थी, लेकिन आप 3 कप पानी डालिएगा। और ये देखिए इसको बस चाशनी तार वाला नहीं बनाना है, बस हमें चीनी को मेल्ट करना है। और चीनी जब मेल्ट हो जाएगा तब हमारा चाशनी रेडी हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा उबाल आ जाने के बाद ये पूरा मेल्ट हो जाता है। और इसी समय में थोड़ा सा इलायची, 1 ठो या 2 ठो इलायची को ऐसे थोड़ा सा रफली क्रॉस करके थोड़ा सा डाल ली हूँ। बस हो गया हमारा चाशनी तैयार, और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद एक कढ़ाई में हमें तेल गरम कर लेना है, और तेल गरम हो जाने के बाद ज़्यादा गरम नहीं करना है हमें, मीडियम गरम करना है। ये देखिए पूरा फूल गया था। और इसको ऐसे हम जैसे चावल का जो बनाते हैं बड़ा, इसी तरह से हमें ऐसे तलते जाना है देखिए। और ये बहुत गोल, बहुत लोगों का गोल भी बनता है, लेकिन मेरा पूरा गोल नहीं बना था, थोड़ा ठीक ठाक था खाने लायक। ये देखिए और ऐसे गोल गोल ये अपने शेप भी ले लेता है तेल के अंदर जाने के बाद। क्या है कि इसमें जो सोढ़ा रहता है ये फ्लफी बनाए रहता है, तो जब तेल में ये जाता है तो गोल मस्त हो जाता है भी देखिए, और जितना थोड़ा सा फूल भी जाता है। और मस्त इसको हम ऐसे डाल डाल के इसको अच्छे से तल लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा इसको पलटाई हूँ मैं, और सब फ्लफी रहता है इसीलिए सब तेल के ऊपर ही रहते हैं, इन लोग नीचे नहीं बैठते हैं। और ऐसे हम लोगों को इसको तल लेना है अच्छे से, देखिए कितना सुंदर ये तलाएगा। और इसमें बहुत सारे मूंग का तो हलवा भी बनता है, मूंगोड़ी भी बनता है, इसीलिए मैं 2 भाग कर दी थी और 1 भाग में से मूंगोड़ी बनाई थी और 1 भाग में से मैं रस बड़ा बनाई थी। ये देखिए और मस्त हमें इतना ही गोल्डन फ्राई होने तक इसको उचलाना है। देखिए मस्त इतने हो जाएगा तो हमें अब निकालना है इसको, और ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे। और कितना सुंदर हुआ है देखिए। फिर ऐसे मैं बाकी को भी तल ली हूँ। और जो हमारा पहले वाला जो था उसको हम थोड़ा सा तेल इसका निकल जाने के बाद अब उस चाशनी में डाल लेना है हमें, देखिए ऐसे डाल लेना है।
और बाकियों को भी ऐसे धीरे धीरे डाल लेना है। और ये क्या होता है, पूरा चाशनी को सोख लेता है, और जो इसके अंदर जो फ्लॉपीनेस रहता है ये पूरा चाशनी को सोख लेता है। देखिए पूरा सूखा हो गया है। इसको 4 से 5 घंटा आप छोड़ दीजिएगा तब खाइए, 4 से 5 तो नहीं, 3 घंटा कम से कम छोड़ दीजिएगा। ये देखिए मैं कैसे उसको निचोड़ के दिखा रही हूँ, मस्त पूरा रस जितना रहता है ये देखिए मस्त रस एकदम से निकल रहा है। और इसको छोड़ देने के बाद खाने से और अच्छा लगता है, लेकिन इसको तुरंत हम लोग 1 घंटे के बाद खा लिए थे और ये तुरंत भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए तैयार हो गया मेरा पूरा रसीले रस भरे आ गए सब, देखिए कितना सुंदर, और साइज भी बड़ा बड़ा हो गया है। अब अगर रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सभी को धन्यवाद।